ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, ये तो सबको समझ में आ गया कि फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन कैसे निकलेगा, बाय इंटीग्रेशन, कितने का हो गया था, ठीक है डाउट तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, हाँ 2 में डाउट है, यस सर, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है, वर्क डन इन टाइम टी ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम विच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड वी इन टाइम टी वन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन बाय, आपको ये क्या टी टी वन टी लगा के रखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है यार, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। देखो फिर से पढ़ते हैं, वर्क डन इन टाइम टी, रूल नंबर 1, हमने जो वर्क डन निकालना है वो कितने टाइम में निकालना है, वर्क डन इन टाइम टी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास एम विच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, तो यू की वैल्यू क्या है इसमें, जीरो। क्लियर है यहां तक, यू जीरो है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है निकालनी पड़ेगी, क्यों, हमें क्या नहीं मालूम, वेलोसिटी, अगर हमें वेलोसिटी पता लग जाए तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी फाइनल, फिर हम क्या लगाएंगे, वर्क डन इन टाइम टी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, वर्क डन इन टाइम टी इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी डैश स्क्वायर, मान लेते हैं कि बॉडी यू इज इक्वल टू रेस्ट से स्टार्ट हुई और टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी डैश, तो यहां पर क्या आएगा, हाफ एम वी डैश स्क्वायर माइनस जीरो, कोई डाउट इसमें, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, हाफ एम वी डैश स्क्वायर माइनस जीरो, सही है यहां तक। आप कहेंगे सर बाकी लाइनें, मैंने अभी तक सिर्फ इतनी लाइन पढ़ी है, वर्क डन इन टाइम टी विच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, बस इतना जो अंडरलाइन किया उससे मेरा मतलब ये निकला है। तो अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इन टाइम टी या वर्क डन निकालना है इन टाइम टी, तो मुझे वेलोसिटी वी डैश निकालनी पड़ेगी इन टाइम टी। तो अगर मैं टी टाइम पे वेलोसिटी वी डैश बता दूं, उस वेलोसिटी वी डैश को टी टाइम के ऊपर निकाल के आप यहां पुट करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है, और वो वी स्पीड अक्वायर करती है, लेकिन वी स्पीड जो अक्वायर करती है वो टाइम टी में नहीं करती, वो टाइम कितने में करती है, टी वन में करती है, तो इसीलिए मैंने यहां पर वी नहीं पुट किया, क्योंकि वी डैश वेलोसिटी कितने समय पे अक्वायर करती है, टी, और हमें क्या गिवन है कि बॉडी वी वेलोसिटी अक्वायर करती है इन टाइम टी वन, वो इसलिए गिवन है ताकि आप क्या निकाल सकें, एक्सेलरेशन, ठीक। बेसिकली वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको समझाता हूं, देखो वो ना दो स्टेटमेंट्स को क्लब कर रहा है, कैसे क्लब कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमें ये बता रहा है कि मुझे वर्क डन निकालना है इन टाइम टी, इंपॉर्टेंट है इन टाइम टी, सच दैट बॉडी कहां से स्टार्ट होती है, फ्रॉम रेस्ट, यू इज इक्वल टू जीरो, गुड आउट इसमें, तो टी टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी सपोज कितनी हो गई, वी डैश, ठीक, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर माइनस जीरो, तो वर्क डन इन टाइम टी इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गुड आउट इसमें, वर्क डन इन टाइम टी इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं आपको वी डैश बता दूं आंसर आ जाएगा, अब v डैश वेलोसिटी कितने समय में आई, टी, तो v डैश इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इंटू टी, गुड आउट इसमें, v डैश इज जीरो प्लस ए इंटू टी, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं हाफ इंटू एम इंटू ए इंटू कितना, टी का होल स्क्वायर, सही। अगर मैं v डैश वैल्यू निकाल रहा हूं टी टाइम के बाद, आप v डैश को यहां पुट कर दें, गुड आउट इसमें,
तो आपके पास क्या आ गया, हाफ एम ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, हाफ एम ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? क्वेश्चन में ये गिवन है कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई और बॉडी की कुछ वेलोसिटी गिवन भी है, कितनी गिवन है, वी, लेकिन इन टाइम टी वन। तो एक बार फिर इक्वेशन अप्लाई करते हैं, v इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इंटू टी वन, तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई, t1। तो ये स्टेटमेंट गिवन ही इसलिए है ताकि आप क्या निकाल सकें, a। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो आप इस a को यहां पे पुट कर दें, हाफ m a की जगह v स्क्वायर बाय t1 स्क्वायर इंटू t स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ऑप्शन मार्क कर लो, ऑप्शन मिलेगा। समझ में आ रहा है कैसे, क्या कंफ्यूज कर रहा है वो आपको? वो इसलिए कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसने जान के वेलोसिटी v दी थी, तो आप यहां पर v डैश नहीं पुट करेंगे, आप यहां पर v पुट करके गलती से आंसर निकाल देंगे, जबकि वो v वेलोसिटी टाइम t1 की है। हमें वर्क डन निकालना है t टाइम का, हमें वेलोसिटी निकालनी है t टाइम पे। तो यहां पर वेलोसिटी निकाली t टाइम के लिए, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए थी, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहां पर निकाली, आपके पास एक्सेलरेशन यहां पर पुट करके आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन आया, लिख लिया आपने, नोट नोट नहीं करते कुछ साथ साथ, तो समझते ही हो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो नहीं है, शीट नहीं है, तो हिंट कैसे लिखोगे? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, ये क्वेश्चन ना मेंस वालों ने दिया था, पुराने पेपर मिल जाएगा आपको, नीट में भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। तो जब ये क्वेश्चन दिया ना, तो मेरे को याद है एक स्टूडेंट था, वो कहता है जी मेरे से क्वेश्चन हुआ नहीं, पर उसकी वजह से बहुत बढ़िया सिलेक्शन हुई थी, उसका पैकेज सी एस सी मिली थी। वो कहता है जी मैं उस टाइम सोच नहीं पाया, पर मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मेरा आंसर सही हो गया। कैसे? कह रहे काइनेटिक वर्क डन पूछा है ना, आंसर जूल में आएगा ना। कह रहे मैंने ऑप्शन चेक कर ली, टी स्क्वायर और टी, हाफ एम वी स्क्वायर आना चाहिए, तो ऑप्शन कदा हो ही नहीं सकता, हाफ है ही नहीं, ऑप्शन हो नहीं सकता। हाफ एम वी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर कैंसिल, हाफ एम वी स्क्वायर जूल बनेगा। हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, एम स्क्वायर तो होता ही नहीं। कहता जी डी ऑप्शन है, डन, सही था, कुछ किया ही नहीं, सही है। तो कहता सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, मैं ऑप्शन देख के कराया। ऐसे बहुत क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन देखते ही इलिमिनेशन से निकल जाते हैं, समझ में आ रहा है? उनमें से ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे नहीं है लेकिन कुछ तो निकल ही आते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मैंने मेथड भी सिखा दिया और मैंने शॉर्टकट साथ बता दिया, कोई तो डाउट इसमें? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक मशीन गन है, देखो एक मशीन गन है और वो क्या कर रही है, फायर्स 360 बुलेट्स पर मिनट। एक मशीन गन 360 बुलेट्स को फायर करती है, कितनी देर में, पर मिनट, पर मिनट का मतलब 60 सेकंड में। ठीक, आगे विद अ वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकंड, 600 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। इफ द पावर ऑफ द गन इज गिवन 5.4 किलोवाट, किलोवाट को ना किलो को हटाना पड़ता है, 10 की पावर 3 वाट पावर आपको गिवन है। मास ऑफ ईच बुलेट क्या है, देखो पावर होता क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम। बुलेट के केस में कौन सी एनर्जी लेंगे, काइनेटिक एनर्जी लेंगे, जो कि क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हम ऐसा करें कि सपोज करो आपको इस क्वेश्चन के अंदर पावर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। पावर आपको गिवन है, कितनी गिवन है, पावर की वैल्यू गिवन है 5.4 किलोवाट। ठीक है, तो पावर इज 5.4 इंटू 10 की पावर 3 वॉट। काइनेटिक एनर्जी कितनी है बुलेट की, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, लेकिन ये एक बुलेट की है, ऐसे कितनी बुलेट्स हैं चेक करो, कितनी 360, और कितनी देर में ये बुलेट्स चलती हैं 360 इन टाइम, 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब टाइम की जगह 60। अब आपको इस क्वेश्चन में वी तो पता ही है ना,
बुलेट की वेलोसिटी तो पता ही है, तो यहाँ से क्या जाएगी, मास की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे आंसर आएगा? सर, हाँ बोलो। इसको ऐसे नहीं कर सकते कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से, फिर हाँ उससे कर फोर्स सकते। को जो फोर्स क्या लिया फोर्स आपने, को चेंज इन मोमेंटम अपॉन आ गया टाइम। आंसर? नहीं आंसर तो नहीं आ मुझे रहा, लगता नहीं पूछ है, रही क्योंकि थी बुलेट जब बाहर निकलती है ना विद सम वेलोसिटी ऑफ वी, तो आप मोमेंटम चेंज क्या ये। लेंगे, एम वी। यस सर, एम बी फोर्स लिया तो था इनिशियल मैंने। मोमेंटम है ना, चेंज लेना है, चेंज तो पता ही नहीं क्या है। अब मत करें फोर्सेस सॉल्व इसे, ओके सर, फोर्सेस ओके सॉल्व सर, मत करें। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ से पहले मैं एक क्वेश्चन जरा एक मिनट पहले पूछना चाहता हूँ आपसे। ये वाला क्वेश्चन हुआ, ये वाला 11th, ए अपॉन ये वाला। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ, आप प्लीज़ अभी मैं सॉल्व करके दिखाना। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब यू इज ए अपॉन एक्स की पावर 12 माइनस बी अपॉन एक्स की पावर 6। ये गिवन है, क्या निकालना है? ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जहाँ वर्ड आ जाता है वहाँ बताओ क्या चीज़ जीरो होती है? नेट फोर्स। लिख लो अपने फॉर्मूला बुकलेट में, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो आपको बताना है पोजीशन क्या है, पोजीशन का मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी जब इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब जो नेट फोर्स उसके ऊपर क्या होगी, जीरो होगी। तो इस केस में एफ इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स लगेगा। याद है एनर्जी से फोर्स कैसे निकलती थी, माइनस डी यू बाई डी एक्स। एफ की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू की जगह ए अपॉन एक्स की पावर 12 माइनस बी बाई एक्स की पावर कितना, 6। और जो भी आंसर आएगा डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो निकालो, एक्स निकालो, करो डिफ्रेंशिएट। तो फोर्स निकालो पहले डिफ्रेंशिएट करके, और फिर फोर्स को जीरो पुट करो और देखो एक्स क्या आएगा।
हाँ जी, कितने लोगों का आंसर आ गया एक्स की वैल्यू वाई? देखो ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस का है, इसमें और कुछ है नहीं। तो एक्स की जो वैल्यू है यू कितना गिवन है चेक करना, ए अपॉन बी अपॉन, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो इक्वल टू क्या करना है, जीरो। यानी कि डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू की वैल्यू क्या है, ए डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 12 माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 6 इक्वल टू जीरो। तो ए बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर कितना, माइनस 12 माइनस बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर कितना, माइनस 6 इक्वल टू जीरो। ए माइनस 12 एक्स रेज टू पावर माइनस 13 माइनस बी माइनस 6 एक्स रेज टू पावर माइनस 7 इक्वल टू जीरो। माइनस 12 ए एक्स रेज टू पावर माइनस 13 इज इक्वल टू, ये राइट साइड पे जाएगा, माइनस 6 बी एक्स रेज टू पावर 7। क्या स्टेप क्लियर है कैलकुलस? इसके अंदर माइनस 7 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 2। 2 ए एक्स की पावर माइनस 13 इज इक्वल टू बी एक्स की पावर माइनस 7। 2 ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू यहां पर 7 हो जाएगी और ये एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू बी, या उल्टा कर लेते हैं, चलो एक्स निकालना है हमने, माइनस 7। 2 ए एक्स की पावर 13 इज इक्वल टू बी एक्स की वैल्यू कितनी, 7। तो यहां से ये कट जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो एक्स की वैल्यू 6 विल बी इक्वल टू 2 ए डिवाइडेड बाई क्या जाएगा, बी। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 6 रूट 1 बाई 6 2 ए बाई बी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? कैसे एक्स के साथ चेंज हो रही है भाई? हाँ, तो यू कॉन्स, हाँ ऐसा बोल सकते हो। एक्चुअली इक्विलिब्रियम मैंने करवाना है अभी आपको, इक्विलिब्रियम तीन टाइप का होता है, स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो उसके अंदर मैं आपको लिस्ट बना के दूंगा कि कब कौन सा लगाना है, वो तो बाई चांस इक्विलिब्रियम आ गया तो बता दिया मैंने, लेकिन उसके तीन टाइप्स हैं जो अभी आने वाले क्लास में हम डिस्कस करने हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को? ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, कॉम्पिटिशन पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, फोर्थ में ना थोड़ी कंफ्यूजन जो होती है वो फिगर में होती है कि कैसी लें। जैसे इस क्वेश्चन में ये गिवन है 5 kg का ब्रिक है, 20 by 10, ये 8 है, बाई 8 8 है, तो L, B और H आपको गिवन है इसका, ठीक है। इज लाइंग ऑन लार्जेस्ट बेस, लार्जेस्ट बेस क्या है इसका, 20 और 10 का, 20 by 10 का लार्जेस्ट बेस है, राइट? तो 20 by 10 का लार्जेस्ट बेस है, तो इस बेस के अलोंग ये पड़ा हुआ है। इट इज नाउ मेड टू स्टैंड विद लेंथ वर्टिकल, पहले ऐसे पड़ा था, और लेंथ वर्टिकल का मतलब क्या है, ये लेंथ है वर्टिकल कर दी, तो 20 cm वाली साइड अब ऊपर आ गई, पहले 20 cm नीचे थी। तो क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है, ये बताओ कि क्या इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा ये बताओ, जब ये ब्लॉक ऐसे पड़ा था तो इसकी एनर्जी है कितनी, पोटेंशियल मास एम जी, हाइट क्या है 8, की एनर्जी 0। देखो मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्या लेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो अगर ये 8 है तो ग्राउंड से कितने सेंटीमीटर हुआ, ये 4। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनी, एम जी 8/2 × 10^-2 हाफ क्यू ही लेंथ, समझ में आ रहा है, सारा मास कहां पर लेना है, एट सेंटर, और सेंटर की हाइट क्या है ग्राउंड से 4, सही हो गया। इस केस में सेंटर ऑफ मास पे है, इस केस में हाइट क्या है 20, पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या है, एम 5 g, एम जी हाइट क्या है 20, 20 × 10^-2 20/2। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आपने इसमें इनिशियल एनर्जी निकाल ली, आपने फाइनल एनर्जी निकाल ली, और दोनों को क्या कर लिया, माइनस जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आई वही आपका अमाउंट ऑफ क्या है,
वर्क डन, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे होगा? ठीक, ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें ए और बी के साथ है। क्या आंसर बोलते हो इसका? कितने लोग बोलते हैं सी? सी कैसे? सेंट्रो मास से किया, सेंट्रो मास से किया ऐसे। और फिर दोनों को माइनस किया। तो अगर मेरे को क्वेश्चन नहीं भी आता तो क्योंकि जिसमें साइन माइनस है वही आंसर है, प्लस हो नहीं सकता, इसमें ए है ही नहीं, प्लस हो नहीं सकता, बचा क्या? आंसर आ गया। ठीक है, ये सही है ना यार? ठीक, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन। कितनों को डाउट है सिक्स में? कितनों का हो गया? कैसे किया वर्क डन, कैसे निकाला? हाँ ठीक है, देखो मैं हिंट देता हूँ, आप अभी सॉल्व करना। आप एक काम करो, इसमें इसके अंदर आपको एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन गिवन है। क्या निकालना है? वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 6 सेकेंड, पहले 6 सेकेंड में वर्क डन निकालना है, क्या होगा? तो अब इस केस में रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3 कर लें, और एक्स क्या आएगा? टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, ठीक है। अब इसमें आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगी? वेलोसिटी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी निकाल लोगे कैसे? डीएक्स बाय डीटी आ गया। क्या निकालना है आपको? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फर्स्ट 6 सेकेंड। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी वन स्क्वायर। अब वी वन क्या है? वी वन है वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, और वी टू क्या है? वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो ये डिफ्रेंशिएट करो, चलो अभी वी निकालो डिफ्रेंशिएट करके, टाइम की फॉर्म में आएगा, एक बार टाइम की जगह जीरो तो वी वन आएगा, एक बार टाइम की जगह 6 तो वी टू आएगा, पुट करो आंसर। जो असाइनमेंट्स हैं इनका लेवल थोड़ा ऊपर है, राइट? दो टाइप की, देखो दो तीन लेवल्स होते हैं हमेशा। पहला लेवल होता है बिल्कुल बेसिक लेवल, आपने देखा होगा जब सब्जेक्टिव शीट आती है बड़ी बेसिक होती है, वैल्यू पुट की थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वो एनसीईआरटी लेवल है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें जो स्कूल लेवल क्वेश्चन आते हैं बस वैसे ही रहते हैं। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल है, इस लेवल का न्यूमेरिकल। देखो ये न्यूमेरिकल में लेवल है, आप कोई भी न्यूमेरिकल कर लें इसमें कुछ ना कुछ ठीक ठाक ट्रिक लगी हुई है। तो मेरी असाइनमेंट थोड़ी सी एक लेवल मॉडरेट से थोड़ी सी ऊपर चले जाती हैं, एक है इसके बीच में, इजी और मॉडरेट के बीच में। इजी और मॉडरेट का जो फ्लेवर है मैं अभी आपको दूंगा आज करने के लिए, इनसे नीचे रहेंगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो आसान है, बस वैरायटी है, तीसरे किस्म की वैरायटी। अब ये करने के बाद वो आपको थोड़ा ठीक लगेंगी, आज मैं प्रैक्टिस भी कर पाऊंगा, और हर क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली ये प्रैक्टिस सेशन चलेगा थोड़ा सा यही करने के लिए। तो यहीं पर कुछ क्वेश्चन किया करेंगे असाइनमेंट के, बाकी होमवर्क होगा तो आज करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी क्लास में प्रैक्टिस हो जाए। तो देखो ये v की वैल्यू क्या आएगी इसमें, तो यहाँ पर जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी x क्या था अभी t माइनस 3 का होल स्क्वायर।
वी क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी टी, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ एक्स, एक्स की जगह टी, माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो यहाँ से टू टी माइनस थ्री रेज टू पावर वन डी टी बाई डी टी वन है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो वी वन की वैल्यू क्या है, माइनस सिक्स, एंड एट टाइम टी इज इक्वल टू सिक्स सेकेंड वी टू की वैल्यू क्या है, प्लस सिक्स। ठीक है, वर्क डन क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वायर हाफ एम वी वन स्क्वायर। अब क्योंकि इसमें वी वन एंड वी टू क्या है एग्जैक्टली सेम, माइनस का तो स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू इसमें क्या आएगी, जीरो, आंसर इज जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, हाँ जी ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें? ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेवंथ क्वेश्चन कितनों का हो गया, नहीं हुआ, मुश्किल क्वेश्चन था, ठीक है आपके लिए अभी मुश्किल है, तो मैं इसका ट्रिक बताता हूँ उसको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं पहले, ठीक है। तो लेकिन ये कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन है, नॉट फॉर एनसीईआरटी, स्कूल में नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मेन्स और नीट दोनों में मिलेंगे आपको। इसका एक ही ट्रिक है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या ट्रिक है, आप नोट करें, कॉपी ओपन करें प्लीज़, और फॉर्मूला बुकलेट में ही नोट करें, ताकि जब आप इसका रिवाइज करें, जब आप इसका काम करें, आपको याद आ जाए जब रिवीजन के बाद। देखो चलो नोट करते हैं इसमें।